शुक्र जो अभी तक अस्त अवस्था में चल रहे थे, अब 11 जुलाई 2024 को 7:59 पर यह कर्क राशि में उदित होने वाले हैं। शुक्र का कर्क राशि में उदित होना हमारी 12 राशि पर किस प्रकार के प्रभाव डालेगा, आज हम 12 राशियों में से धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करेंगे। इन्हें इस समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे और क्या कार्य करना इनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, तो यह सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। और जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि के लिए शुक्र छठे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस उदित अवस्था के दौरान अनिश्चितता और आयु के अष्टम भाव पर शुक्र उदित अवस्था में होंगे। शुक्र का आपके अष्टम भाव पर उदित होना आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ और ऋण के रूप में धन लाभ करवाएगा। करियर मोर्चे पर आपको कार्यस्थल पर दबाव महसूस हो सकता है, सहकर्मियों से भी कुछ समस्याएं उठानी पड़ सकती हैं। व्यवसाय में आपको शेयर के माध्यम से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, हालांकि सामान्य व्यवसाय में आपको ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। आर्थिक मोर्चे पर आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, इस वजह से आप ऋण का विकल्प चुन सकते हैं। रिश्तों में तनाव आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण रिश्ते में खुशियां नजारत रहेंगी। स्वास्थ्य का इस समय अवधि में विशेष रूप से ध्यान देना है। इस उदित अवस्था को शुभ करने के लिए माँ दुर्गा की नित्य आराधना करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी होते हैं। इस उदित अवस्था के दौरान दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय में साझेदारी के सप्तम भाव पर शुक्र उदित अवस्था में होंगे। शुक्र का आपके सप्तम भाव पर उदित होना आपके नए दोस्त बनाएगा, प्रेम जीवन में लाभ होगा और किसी यात्रा से भी इस समय अवधि में आपको लाभ मिल सकता है। करियर क्षेत्र में आपको कोई नई नौकरी मिलेगी, जिससे आप खुश रहेंगे और आपके जीवन में अनुकूलता आएगी। व्यवसाय में भी आपकी छवि उभर कर आने वाली है, इससे आपको लाभदायक डील मिलेंगी। किसी लंबी यात्रा से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, जिसके कारण आपका रिश्ता खुशनुमा रहेगा। इस उदित अवस्था को शुभ करने के लिए शुक्र के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस उदित अवस्था के दौरान रोग, ऋण, रिपु के छठे भाव पर शुक्र उदित अवस्था में होंगे। शुक्र का आपके छठे भाव पर उदित होना आपको अपने परिवार में समस्याएं और भाग्य में कमी के संकेत दे रहा है। करियर में आपको कार्य का दबाव बढ़ने वाला है, जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। व्यावसायिक मोर्चे पर आपको मुनाफे की जगह हानि उठानी पड़ सकती है। यह सब आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से होगा। इस समय अवधि में आपको ऋण लेने की नौबत आ सकती है, क्योंकि आपके खर्चों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। रिश्तों में उचित तालमेल न बैठाने की वजह से जीवन साथी के साथ खुशियों में कमी आ सकती है। स्वास्थ्य में आपको अपने माता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इस उदित अवस्था को शुभ करने के लिए कुंजिका स्तोत्र का नित्य पाठ जरूर करें। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए शुक्र तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस उदित अवस्था के दौरान शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन के पंचम भाव पर शुक्र उदित अवस्था में होंगे। शुक्र का आपके पंचम भाव पर उदित होना आपको अपने जीवन में विकास में देरी देखने को दे सकता है, जिससे आपकी चिंता बढ़ेगी। करियर में आप बेहतर संभावनाओं के लिए नौकरी बदलने के बारे में सोच सकते हैं, जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। व्यवसाय में आपको प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इस समय अवधि में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी के चलते आपकी फिटनेस में इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। साथ ही आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ भी प्यार में कमी महसूस होगी, और यह सब आप दोनों के बीच तालमेल में कमी के कारण होने वाला है। इस उदित अवस्था को शुभ करने के लिए ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप। तो यह था शुक्र का कर्क राशि में उदित होना, जिससे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि इस प्रकार प्रभावित होगी। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए,
जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।